हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण, व्याकरण में है आपके चैप्टर नंबर 4 जो संज्ञा, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। आज हम इसके करते हैं अभ्यास प्रश्न, जो कि आपके पेज नंबर 22 पर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सबसे पहला क है गुलाब शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें चार विकल्प दे रखे हैं आपके, अ जातिवाचक, ब भाववाचक या स व्यक्तिवाचक। तो इसमें से सही आंसर जो होगा गुलाब। गुलाब जो है अ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, स। फिर पूछा है आपके ख में चेन्नई शब्द कौन सी संज्ञा है। इसमें भी विकल्प दे रखे हैं 3, अ भाववाचक, ब व्यक्तिवाचक, स द्रव्यवाचक। तो इसमें से चेन्नई शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक बिल्कुल नहीं होगा और द्रव्यवाचक भी बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे है व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसके बाद में है ग बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें भी 3 विकल्प दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक बुढ़ापा शब्द। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, स। फिर पूछा है ग में आपके दही शब्द में कौन सी संज्ञा है। 3 विकल्प दे रखे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो दही शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद में सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सेना शब्द जो है आपका, इसमें 3 विकल्प दे रखे हैं, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो सेना शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। फिर है आपके प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क संज्ञा की परिभाषा दीजिए। इसमें पूछा है संज्ञा की परिभाषा, तो आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा की परिभाषा दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको इतना ही उत्तर लिखना है, संज्ञा की परिभाषा ही पूछिए तो आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में संज्ञा के प्रश्न नंबर ख, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। यहाँ पर संज्ञा के भेद पूछे हैं तथा उनके नाम भी पूछे हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे नाम लिखिए पूछा है तो आपने, आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद में है ग, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर ग 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखना है। यहाँ पे सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यही पूछा है। अब है आपके ग, व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो यहाँ पे पूछा है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है, तो आपको उत्तर देना है व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का ही बोध कराते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा जो है संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक ही नाम का बोध कराते हैं, लेकिन जबकि जातिवाचक संज्ञा जो है संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, उसके बाद में है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
प्रश्न नंबर 5 में पूछा है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपको उत्तर लिखना है जिन शब्दों से समूह समुदाय या झुंड के नाम का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह 5 प्रश्न जो है आपके ये है 1, 2, 3, 4, 5 5 ही प्रश्न आपके हो गए। उसके बाद में है आपके अगला जो है उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर संज्ञा शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को चुनकर आपको खाली स्थान को पूरा करना है। ठीक है, पहला क है हिमालय संसार का सबसे ऊंचा क्या आएगा, पर्वत है। उसके बाद में ख हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, भारतवर्ष। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता। ठीक है, फिर है आपके प्रश्न नंबर 4, इसमें सही वाक्यों के सामने राइट तथा गलत वाक्यों के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है, इसमें जो सही वाक्य है उसके सामने राइट का निशान लगाना है और गलत वाक्य के सामने रॉन्ग का। तो पहला वाक्य है संसार में प्रत्येक वस्तु का नाम होता है, तो यह है राइट। हाँ, उसके बाद में है नाम को संज्ञा नहीं कहा जा सकता है, तो यह वाक्य जो है गलत है, नाम को संज्ञा कहा जाता है। फिर है ग नदी फल फूल पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है, राइट का निशान लगाना है। ग दूध दही पानी भाववाचक संज्ञा है, गलत है, दूध दही पानी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यह वाक्य गलत है। उसके बाद में रामायण बाइबिल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है, रामायण और बाइबल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद में है नंबर 5, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर इनके भेद दे रखे हैं, तो आपको इन शब्दों में से छाट कर लिखने हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तो इनमें से जो शब्द व्यक्तिवाचक है तो उसको व्यक्तिवाचक कॉलम में लिखना है, और जो शब्द जातिवाचक है उनको जातिवाचक में, और जो शब्द भाववाचक है उनको भाववाचक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ओजस व्यक्तिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, बचपन भाववाचक है, जवानी भाववाचक है, सार्थक नाम है इसलिए सार्थक व्यक्तिवाचक है, अनामिका नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक है, गीता नाम है व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक, सजावट भाववाचक, वृक्ष जातिवाचक, गुलाब व्यक्तिवाचक है। ठीक है, आपको गुलाब जो है व्यक्तिवाचक में लिखना है। उसके बाद में है आपके कड़वा भाववाचक, गाय जातिवाचक, कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक, मिठास भाववाचक। ठीक है, यह आपके हो गया। उसके बाद में लास्ट प्रश्न आपके संज्ञा शब्दों से फुलझड़ी बनाइए, यानी कि यहाँ पे जो है आपको संज्ञा शब्द भरने हैं, लिखने हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है आपको स्वयं करना है। ठीक है, यह अभ्यास प्रश्न आपके हो गए हैं, यह आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।